कॉन्फ्रेंस से। सबसे पहले आदेश जी आपके पास आते हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो गठबंधन हो गया आपका, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो घोषणा पत्र है वो भी सामने है, जिसमें सबसे अहम है 370 की बहाली। कांग्रेस का क्या रुख है 370 पर? देखिए, मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूं कि हमने आजादी के बाद राज्यों को मजबूत किया, अपने फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया, और राज्य सरकारों का भरोसा केंद्र सरकार में होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी, मोदी जी ने राज्यों को कमजोर किया। हम राज्य के लोगों का इकबाल, उनका भरोसा, उनके हित के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के किसानों के लिए कार्य करेंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। और बैठ के मिनिमम प्रोग्राम जो है वो हम बैठ के अपना तय करेंगे, और उसके बाद राज्य के अंदर कांग्रेस के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और फिर सुचारू रूप से लोगों की उन्नति और तरक्की होगी। ये हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हमारा एनसी का गठबंधन होगा, 60 से ज्यादा सीटें जीत के आएंगे। जो आदेश जी, मेरा सवाल कुछ और था, जवाब आपने क्या दिया ये शायद जनता बेहतर तरीके से समझेगी, लेकिन सवाल तो मेरा बिल्कुल अलग था और उसका जवाब आपने कहीं नहीं दिया। 370 के प्रावधान हमने अपने समय के अंदर भी, वहां किस तरह से राष्ट्रपति होता था, दो झंडे लगते थे, समय समय पे उसमें संशोधन किया, पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर हमने सबने जवाब दिया, जो है 370 आज भी वहां पे स्टैंड करती है। 370 स्टैंड करती है, ये बात सच है, लेकिन जो प्रावधान खत्म किए बीजेपी सरकार ने, क्या उन प्रावधानों को बहाल करेगी फिर से कांग्रेस और एनसीपी की सरकार, ये स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया कि हमारा कार्यक्रम है लोगों का विश्वास जीतना, पूर्ण राज्य का दर्जा देना, भारतीय जनता पार्टी की तरह सालों साल नेट बंद नहीं रखना, मोबाइल बंद नहीं रखना, टेलीफोन की लैंडलाइनें बंद ना रहे, लोग सुचारू रूप से आ सके, जा सके, आजादी हो, ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए काम करेंगे। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे उन देशों में है जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद किया जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है लोगों की आजादी को फेंक के कुचला जाता है। ये नफरत की भाव जो है आपको खत्म करेंगे। और जो रास्ते चलते फौजियों को थप्पड़ मारा जाता था वो सही था? फौजियों के ऊपर अगर पहली बार FIR लिखी गई आजादी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी के समय में लिखी गई, फौज का सम्मान इस देश में सबने किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो है FIR फौज के ऊपर पहली बार FIR हुई है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। सही है।